Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve some MCQs on sociology. तो इस वीडियो में हम समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड अपने आप से पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, देन आंसर्स मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? गिलिंग, ऑगस्ट कॉम्ट, ये कॉम्ट होगा, ठीक है, लुंडबर्ग या फिर मैकाइवर, समाजशास्त्र के जन्मदाता। तो सभी इस क्वेश्चन को जानते होंगे, इसका आंसर भी सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट को ही समाजशास्त्र के जन्मदाता कहा जाता है और इन्होंने ही 1838 में सोशियोलॉजी वर्ड लाए थे ये, और सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संस्था से किस बात का पता चलता है। हम सभी जानते हैं संस्था क्या होती है, उससे किस बात का पता चलता है? व्यवस्था का, शिक्षा का, कार्य प्रणाली का या फिर औद्योगिकीकरण का? तो आपको इसका आंसर देने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर संस्था क्या होती है। तो संस्था क्या होती है, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है बाय द पीपल और ग्रुप्स। तो इसमें आ जाएगा कार्यप्रणाली, ठीक है, कार्यप्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो संस्था होगी उससे हमें कार्यप्रणाली का, कि किस तरीके से हम रेगुलेट करते हैं, इसका पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग कितने आश्रम हैं? हम सभी जानते हैं कि जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ आश्रमों की बात की गई है कि हर मनुष्य को इन आश्रमों से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो वो कितने हैं, कितने उनके नंबर्स हैं? 4, 12, 25 या फिर 28? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, ठीक है। जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और वो 4 कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला आश्रम है वो कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम। थर्ड है हमारा वानप्रस्थ एंड फोर्थ है हमारा लास्ट वृद्धा आश्रम। चार तरह के आश्रम हैं जिसे सामाजिक व्यवस्था में लागू किया गया था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में। और इन आश्रमों को प्रत्येक मनुष्य को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण मतलब सोशल कंट्रोल के जो प्रकार बताए थे, सकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये किसने दिए हैं? किसने सोशल कंट्रोल के 2 टाइप्स दिए हैं, फर्स्ट पॉजिटिव सोशल कंट्रोल एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। ऑप्शंस देख लेते हैं, पार्सन्स, रॉस, कार्ल मैनहाइम या फिर किम्बोलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, किम्बोलियम के अकॉर्डिंग जो सोशल कंट्रोल है उसके 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल अस्पष्टता मतलब अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 15? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनटचेबिलिटी से कौन सा रिलेटेड है कि उसको ख़त्म कर दिया गया, तो वो है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय परिवर्तन के समर्थक कौन नहीं है? सोशल चेंज में बहुत सी थ्योरी आई हैं जिसमें से एक है चक्रीय परिवर्तन, उसके समर्थक कौन नहीं है पूछा गया है? कार्ल मार्क्स, टॉयनबी, पैरेटो, सोरोकिन। तो चक्रीय परिवर्तन के जो समर्थक नहीं हैं वो हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या है, कार्ल मार्क्स आते हैं हमारे संघर्षवादी सिद्धांत में जिसमें वो रैखिक के अंतर्गत आते हैं। बाकी के टॉयनबी, पैरेटो, सोरोकिन, ये तीनों के तीनों हमारे चक्रीय से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? सूचना मतलब डेटा। डेटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। जिसमें से प्राथमिक स्रोत कौन सा है इनमें से, हमें वो बताना है। ऑप्शंस हैं अवलोकन,
व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। अवलोकन हमारा प्राथमिक स्रोत होता है, वहीं पर कोई व्यक्तिगत पत्र, किसी का लेटर या कोई डायरी, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने ये समुदाय की ये परिभाषा दी थी, उसमें हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया, कि उन्होंने क्या किया था, समुदाय पर एक परिभाषा दी जिसमें वो जो हम भावना है उसको लेकर आए, उसको उन्होंने कीवर्ड रखा। बोगार्ट्स ने, जिन्सबर्ग ने, मैकाइवर ने या फिर किंग्सले डेविस ने। तो हम भावना का जो उल्लेख करते हैं समुदाय की परिभाषा में, वो करते हैं बोगार्ट्स, और इसका कई सही आंसर भी ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, बोगार्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है, समुदाय का उदाहरण पूछा गया है, क्रिकेट टीम, राज्य, कॉलेज का छात्रावास या फिर संघ लोक सेवा आयोग। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको समुदाय की विशेषताओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो समुदाय की क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहले तो समुदाय में एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया होता है। सेकंड, उनमें हम की भावना पाई जाती है, ठीक है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राज्य। राज्य से ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या हो जाएगा, अगर हमें राष्ट्र का एकीकरण करना है, आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता या फिर शिक्षा का प्रसार। राष्ट्र के एकीकरण के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। इसका जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन की विधि माना है, क्या माना है, भारतीय गांव को एक जीवन की विधि, मजूमदार ने, श्रीनिवास ने, मैरियट ने या फिर बेली ने। तो भारतीय गांव को जीवन की विधि जो मानते हैं वो मानते हैं मजूमदार। अकॉर्डिंग टू DN मजूमदार जो भारतीय गांव है वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो क्या होता है, मतलब जब डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है एंड बर्थ रेट डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में गिरावट, जनसंख्या स्थिर रहती है या फिर जनसंख्या में गतिशीलता आती है। यहाँ बात हो रही है जन्म दर में गिरावट आई और मृत्यु दर बढ़ गई, तो बिल्कुल से जनसंख्या में गिरावट आएगी, लोग कम होंगे, पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है, अब फिर से आ गया समुदाय, समुदाय के आपको मैंने अभी कुछ विशेषताएं बताई, उनमें से ही सोच समझकर आंसर कीजिए, विद्यालय, गांव, धर्म या फिर जाति, विद्यालय, गांव, धर्म या फिर जाति। तो इसमें हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा जाति, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जैसे हमारा गाँव है ये सब कुछ मैच करे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो जाति है ये मोस्ट एप्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव एक लघु गणराज्य है, ये किसने कहा था, विलेज को, गांव को एक छोटे छोटे गणराज्य किसने कहा था, मेटकॉफ ने, AR देसाई ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो गांव को लघु गणराज्य जो कहते हैं वो कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, जनाधिक्य मतलब लोगों का अधिक होना, पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। किसी एक फैक्टर को हम नहीं बोल सकते कि वो पॉपुलेशन में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसके बहुत सारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा होती है, किसकी अवधारणा है नैसर्गिक प्रतिबंध, मैल्थस की, सैडलर की, कैनन की या फिर डॉल्टन की। तो नैसर्गिक प्रतिबंध की मतलब जो नेचुरल प्रतिबंध है उसको किसने बताया था, वो बताते हैं हमारे मैल्थस। मैल्थस ने कहा था कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें क्या होते हैं,
दो तरह के प्रतिबंध पाए जाते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानव जनित, ठीक है, एक तो नेचुरल होते हैं एंड सेकेंड वन जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है, जिसमें से जो नैसर्गिक हैं जैसे कि जो डिजास्टर्स होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, उनके उदाहरण दिए थे, जिससे प्रकृति खुद से ही क्या करती है, जो पॉपुलेशन को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल और बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, अब सबसे कम पूछा गया है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल या फिर बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। सबसे ज़्यादा था केरल में लिंग अनुपात एंड सबसे कम है हरियाणा में, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस है। नेक्स्ट है शहरीकरण का लक्षण क्या है। शहरीकरण का व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास या फिर ग्रामीण से शहरी प्रवसन या फिर उपयुक्त सभी, शहरीकरण का लक्षण इनमें से क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि शहरीकरण मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें शहरों का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल से जब व्यापार में विकास होगा, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास होगा, गाँव से लोग शहरों की ओर जाएंगे, तो सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और इनमें से सही, तो आंसर बिल्कुल डी ही होगा। धर्म निरपेक्ष मतलब ये होता है कि हमें किसी एक धर्म से मतलब नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों का अपना अस्तित्व है, अन्य धर्मों के प्रति भी हमें इक्वल श्रद्धा रखनी है, ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, तो वो होता है सेकुलरिज्म या फिर धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट है ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आपको मैंने सॉल्व करवाए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।